हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग उनसे मुलाकात कराते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से, प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वो जो है, उन्होंने इस चैनल से हर एक क्लासेस को अटेंड किया और अपने कॉलेज में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है, अपने कॉलेज में फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं। उनसे मैं ये, चलिए मुलाकात करते हैं, उन्होंने इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़े वो खुद बताएंगे। आप लोग भी देखिएगा गाइस। आपका क्या नाम है? सर, आशीष कुमार गौतम। आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं मझौली से पढ़ता हूँ, सही माता पिता इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ। गांव का नाम सही मझौली सम्मुगन जौनपुर। पापा का नाम श्री जमुना प्रसाद, मम्मी का नाम श्रीमती कृष्णावती देवी। तो आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा कि आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट आया 85% नंबर आ गए, तो आपको उस रिजल्ट से कैसा लगा? आपके फ्रेंड का क्या रिएक्शन रहा? सर, अच्छा रिएक्शन रहा। सर, हमारा भी अच्छा रिएक्शन रहा, बहुत खुश हुए हम, हमारा 85% आया। और सभी फ्रेंड भी, मेरे पेरेंट्स ने सब अच्छे अच्छे कहे, पढ़ते रहे ध्यान से, मतलब सबके चेहरे पे खुशी छा गई। टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारी कैसे किया, कितने घंटे पढ़ाई किए, उसी में घर का काम रहता था, उसी पढ़ने के दौरान ही जो है बीच में कोरोना भी आया था, तो आपने कैसे तैयारी किया, कैसे प्रिपेयर किए जो है, वो आप जो है हमारे बच्चे। हम टॉप 10 क्लास ऑनलाइन क्लास पढ़ते थे सर जी, यहाँ पर हर क्लास लेते थे हमेशा, सुबह पढ़ते थे, स्कूल जाया करते थे, स्कूल से स्कूल से फिर आए कोचिंग। तो जब आप पढ़ते थे, जब तैयारी कर रहे थे, जब क्लास चल रहा था, फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया, तो आपको क्या लग रहा था कि आपको ये लग रहा था कि हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई से कितना मार्क्स आने वाला है, उसमें आपको क्या लग रहा था ये बताइए। हाँ सर, हम ध्यान से पढ़ रहे थे, सही सोच रहे थे, 90% अपना टारगेट बनाए थे सर, लेकिन जितना मेहनत की उस हिसाब से सही आया। मतलब आपका टारगेट 90% था, आपने तैयारी को कहीं कुछ कमियाँ हो गई जिसकी वजह से आपने 85% नंबर पाए। जो भी पाए सो बढ़िया है, मेहनत करते रहिएगा आगे और इससे बेहतरीन नंबर आएगा आपका। ठीक, तो जो आपका रिजल्ट आया है, आप उससे सहमत हैं? यस सर, सहमत हैं। आप उससे सहमत हैं? तो आप जो है, इस जो इतना आपका परसेंट आया, 85% आया, इस परसेंटेज के लिए आप अपने टीचर को क्या कहना चाहते हैं, अपने टीचर को क्या कहेंगे? सही सर, सही अंकित पाठक हमारे बहुत बढ़िया सोर्स किए, और सर ऑनलाइन टॉप 10 ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ते थे। अच्छा, मतलब कोचिंग टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ते थे, आपके हर ऑनलाइन कॉलेज के टीचर लोगों ने आपका अधिक ज़्यादा सपोर्ट किए, तो आप इतना अच्छा परसेंटेज नंबर लाए, 85% नंबर आया आपका, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, उसके बाद साथ साथ अपने टीचर को, और उसके बाद श्री टॉप 10 क्लासेस को देना चाहते हैं, जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे, जो लॉकडाउन लगा था उसके बीच भी हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के इतना बढ़िया पढ़े। अब आप भविष्य में आगे क्या बनना चाहते हैं? सर, हमारी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन के जो है समाज सेवा करना चाहते हैं। बच्चे जानना चाहते हैं कि परीक्षा के दौरान जब आप लोग हाई स्कूल का पेपर देने गए, तो बोर्ड का पहली बार पेपर था, इससे पहले कभी बोर्ड का पेपर दिए नहीं थे, तो तनाव था, मन में एक प्रकार का डर था कि बैच आते हैं बोर्ड के दौरान, ये सब, तो ये सब क्या, मतलब आप लोग इससे कैसे दूर किए, अपना डर कैसे समाप्त किए? वो सर लोग सर पहले से ही समझा दिए थे कि डरना वरना नहीं है, ध्यान से पढ़ जाइए, उसका पेपर दीजिए अपना सही से। अच्छा, बढ़िया है, मतलब रिलैक्स रहना चाहिए हमेशा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है, आप जो है केवल एक बात ये बता दीजिए, आपने इतना अच्छा परसेंटेज लाया, 85% नंबर लाया हाई स्कूल में, तो आप हमारे जो टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से जो छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, या ये कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, कि वो आपसे बेहतर या आपके इक्वल नंबर पा सके? तो बताना चाहते हैं, जो टॉप 10 क्लास सर है, यहाँ पर सब ध्यान से पढ़िए, और सब हमारे मैथ के टीचर अनिकेत पाठक सर, जो मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं, पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से जो क्यूज सॉल्व किया जाता है, उससे हमको काफ़ी बेहतर फायदा हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टॉप 10 क्लासेस की तरफ से जो क्यूज सॉल्व कराए जा रहे थे, उससे बोर्ड पेपर में या बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिला, मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ बताए जाते थे, वो काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ और टॉपर्स से मिलते हैं, जो कि जिन्होंने अपने कॉलेज में, अपने क्लास में जो है परचम लहराया है, तो चलिए धन्यवाद।